नमस्कार दोस्तों, चैनल के वीडियो पे आपको स्वागत है। आज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का क्या हाल रहा, कल कैसा रहेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा संक्षिप्त बातचीत करके थोड़ा सा छोटा ही वीडियो बना के आपको समझाने का कोशिश करेंगे। समय भी लग चुका है, काम के वजह से वीडियो जल्द नहीं दे सकता हूँ, ये मेरा एक प्रॉब्लम है, काम पे लग जाता हूँ। देखिए, अभी निफ्टी जहाँ क्लोजिंग दिया है 15,830-840 के लेवल में, 838 अभी दिखा रहा है, लेकिन 834 क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आके एक रिजेक्शन मारा था, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाके ऑल टाइम हाई बना के यहाँ पे आके थोड़ा और रुक के यहाँ पे नीचे आ गया था। फिर से यहाँ पे कंसल्टेशन मोड, एक गैप अप करने का कोशिश, यहाँ पे फिर से रिजेक्शन, नीचे आया, वैसा ही नीचे आया। देखिए, यहाँ पे एक गैप बन चुका है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। गैप ऊपर जाके यहाँ पे यही पे रुका है, एक क्रूशियल लेवल है 15,838 लेवल्स। तो हम बार बार पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, वही लेवल्स पे घूम रहा है निफ्टी, 15,900 और 15,650 ये लेवल को नीचे भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, बहुत समय यहाँ पे बिता रहे हैं। तो बहुत सारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट यही पे आपको छोटा छोटा वाला बन जाएगा, देखिए काम कीजिए। तो यहाँ पे एक हिंट आपको मिल रहा है कि ये लेवल किधर पे घूमेगा निफ्टी, उधर तक चला जाएगा। अगर ये गैप फिल करना है तो नीचे आना है मार्केट को, कब आएगा हमें पता नहीं है, इसको देख के हम काम कर सकते हैं। ये निफ्टी का हालत है चार्ट पे, निफ्टी का ऑप्शन चेन में क्या हालत है हम ये देख लेंगे। निफ्टी का ऑप्शन चेन में डेटा हमें बताता है कि कल निफ्टी किधर साइड आपको मूवमेंट ज्यादा दिखा सकता है, क्या स्ट्रेंथ है निफ्टी चार्ट में और क्या स्ट्रेंथ है ऑप्शन चेन में। यहाँ पे स्पॉट मनी 15,850 है, यहाँ पे देखिए 9,000 पुट रेटिंग है, वही स्पॉट पे 15,850 और 5,800 कॉल रेटिंग है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। ओके, ऊपर के तरफ देखिए 16,000 तक कोई उतना ज्यादा कॉल रेटिंग नहीं है, 15,500 16,000 में है। यहाँ पे देखिए तीन जगह में 36,000 23,000 का एक पुट रेडिंग हुआ है, 15,700-800 ये लेवल में, तो मजबूत सपोर्ट आपको दिख रहा है और वीक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। कल 15,900 को ब्रेक करेगा या नहीं टेस्ट करके देखना है कि ग्लोबल मार्केट आज नहीं चलेगा, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट फ्लैट ग्रीन है, एसजीएक्स भी थोड़ा फ्लैट रेड ग्रीन यही पे घूम रहा है, फ्लैट घूम रहा है, तो कल कैसा ओपनिंग रहा है एसजीएक्स निफ्टी का, एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगा उसके हिसाब से। वहां पे आप देख के काम कीजिए कि कैसा चार्ट बन रहा है, कैसा ऑप्शन डेटा चेंज हो रहा है, उसके बारे में आप ध्यान देके काम कीजिए निफ्टी में। चलिए दोस्त, बैंक निफ्टी में हम बात करते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये एक दिन का ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे उतना असर नहीं रहेगा एक दिन का चार्ट में आप देख लीजिए ट्रेंड लाइन, वहाँ सब हम नहीं बता पाएंगे, समय बहुत कम है, आपको भी लंबा वीडियो नहीं दे पाएंगे। देखिए, यहाँ पे आके रिजेक्शन किया था बैंक निफ्टी ने, कंसोलिडेट किया, आज एक गैप अप ओपन किया और वहां पे आके रुक गया है, बिल्कुल निफ्टी के जैसा। यहाँ पे भी देखिए तो ब्रेकआउट करने का प्रयास किया, यहाँ से गैप करके और यहाँ पे सीधा नीचे आ गया, कंसोलिडेट किया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, इस लाइन को ब्रेकआउट किया, ऑल टाइम हाई मारा, नजदीकी हाई मारा, ऑल टाइम हाई तो ये 37,000 कुछ है, सो यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से वापस आ गया। सो ये लेवल ब्रेक करना है, 15,600 लेवल, 35,600 लेवल ब्रेक करना है एक बढ़िया बुलिश मूवमेंट आने के लिए, ठीक है। सो डाउन साइड में तो बहुत सारा टारगेट है, अभी आप देख रहे हैं कि एक अच्छा क्लोजिंग दिया 35,200 के ऊपर, 35,410, 420, 35,500, 35,610 ये सब लेवल ऊपर का रेजिस्टेंस होगा, नीचे का सपोर्ट भी आपको मजबूत सपोर्ट दिखाई देगा 35,000 में, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और 35,140 ये लेवल में एक सपोर्ट आपको मिल जाएगा, 35,080 या 35,060 का लेवल भी एक जोनल सपोर्ट का जैसा काम करता है। यहाँ पे जो देख सकते हैं यही पे घूम रहा था 35,050, 35,060 यहाँ पे घूम के और सीधा ऊपर ब्रेकआउट दे दिया सेकेंड सेशन में। तो डाउन साइड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 34,750 ये जो लेवल है ये बहुत 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 बढ़िया सपोर्ट का काम करता है, ये अगर तोड़ दिया तो बैंक निफ्टी ऊपर का मूवमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगा, लेकिन बीच में 35,000 का सपोर्ट, 34,920 का सपोर्ट,
34,830-840 इसका सपोर्ट यहाँ पे बीच में आपको मिलेगा 34,750 तक। ये बैंक निफ्टी का डायरेक्शन आपको कल का एक मोमेंटम दिखाता है कि ऑप्शन चेन में क्या है बैंक निफ्टी का, हम वो देख के आता है। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है, यहाँ पे देखिए 35,200 एट द मनी है, 27,000 पुट राइटिंग है, उसके नीचे 20,000 पुट राइटिंग है, 35,100 और 40,000 पुट राइटिंग का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे 35,000 का ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़िया सपोर्ट मान के चलिए, और ऊपर की तरफ देखिए 35,600 तक कुछ खास सपोर्ट नहीं बन रहा है, 8,000 35,500 में बन रहा है और 10,700 35,600 में बन रहा है। सो यहाँ पे भी बुलिश है डेटा, ऑप्शन डेटा बुलिश है, लेकिन कल का ग्लोबल संकेत खास करके SGX निफ्टी देखना है, US मार्केट नहीं चल रहा है। सो इसके हिसाब से आप कुछ यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा मार्केट। पहला 15 मिनट 20 मिनट को ट्रेड कर सकता है तो बहुत क्विक रहना है, नहीं तो वॉच करके देख सकते हैं मोमेंटम कहाँ रहेगा उस दिन का, उस डायरेक्शन में आप चलेगा तो एक आपको फायदा होगा। कल के लिए स्टॉक हम बताएंगे IRCTC, यहाँ पे बहुत बढ़िया बुलिश मूवमेंट है। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, इंट्राडे को बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे चुका है, यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाएगा 2200 तक, नहीं तो यहां से नीचे चल जाएगा। ओके, बाई या सेल साइड का एक सिग्नल दे रहा है IRCTC, 5.5% ऑलमोस्ट आज का एक अप मूवमेंट दिखाया है, सेलिंग भी आ सकता है बाइंग भी आ सकता है, काम कीजिए, यहाँ पे मोमेंटम बहुत रहेगा, आपको पैसा भी बनेगा। किसी भी निवेश करने के लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप काम कीजिए। हमारा वीडियो पसंद लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारा वर्कशॉप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है, उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके एडमिन को आप मैसेज करके कोर्स के बारे में पता कर सकता है। आज का वीडियो यही पे समाप्त करता है, जय हिंद।